हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ मिनी स्विंग मशीन का रिव्यू, जो मैंने अमेज़न से परचेस किया है। मुझे ये मिला है 1400 में। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारी स्विंग मशीन का ये बॉक्स है और कुछ इस तरीके की हमारी ये मशीन है और इसके बॉक्स के साइड में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो इसे भी हम ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ये बॉक्स ओपन करते ही ये मशीन का कितना अच्छे तरीके से पैकिंग करके आया है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। उन्होंने पैकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की है। तो कुछ इस तरीके की हमारी ये मिनी स्विंग मशीन है और इसके साथ ऑलरेडी एक छोटा क्लोथ दिया गया है। इसके साथ आया है एक फुट पेडल उन्होंने दिया है और उसी के साथ में अडेप्टर दिया है और इसके साथ आया है चार बॉबिन जो ब्लैक और वाइट थ्रेड से भरी हुई है और दो खाली है। एक नीडल आई है और नीडल थ्रेडर इसके साथ आया है। इस मशीन को कैसे यूज़ करना है या फिर थ्रेड नीडल को किस तरीके से फिट करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस मशीन का रिव्यू, जिसे मैंने 1 महीने पहले ही परचेस किया था और तभी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी और अभी मैं इस मशीन का रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 महीना हुआ है इस मशीन को यूज़ करते करते और मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि इस मशीन को हमें कैसे यूज़ करना है। अगर आपको ये मशीन परचेस करनी है तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं। और ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है। इस मशीन के साथ मुझे मिला है बॉबिन, नीडल, नीडल थ्रेडर, पावर अडेप्टर और फुट पेडल। इस मशीन को आप पावर अडेप्टर से भी चला सकते हैं या फिर सेल डाल के भी चला सकते हैं। यहाँ पे मैंने पावर अडेप्टर से ही इसे चलाया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे सेल इसे लगा सकते हैं, 4 सेल इसे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सेल नहीं यूज़ किया है, पावर अडेप्टर से ही मैंने इसे यूज़ किया है। और आप पीछे से देख सकते हैं पावर अडेप्टर का और फुट पेडल का दिया हुआ है। यहाँ पर आप फुट पेडल लगा सकते हैं और यहाँ पर पावर अडेप्टर। इसी से आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे दिख जाएगा आपको 3 बटन। ये नीचे वाला जो है वो स्पीड के लिए है, हाई स्पीड या फिर लो स्पीड। बीच वाला जो है बटन ऑन ऑफ का है और जो ऊपर का है वो लाइट का है। आपको ये ऊपर दिख रहा है डायल, तो इसी के थ्रू हम नीडल में थ्रेड डाल सकते हैं। इसे हमें दोनों साइड से घुमाना नहीं है, इसके ऊपर डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हमें इसे घुमाना है। उल्टी डायरेक्शन में हमें घुमाना नहीं है, अदरवाइज ये जो थ्रेड है वो उलझ सकता है, आपकी मशीन ख़राब हो सकती है। तो इसे हमें ये जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमें इसे घुमाना है। और ये डायल के ऊपर आपको दिख रहा है, इसमें हम एम्प्टी बॉबी को थ्रेड से फिल कर सकते हैं। आप मशीन के पीछे देख सकते हैं, इसे हमें ऊपर करके सिलाई के लिए नीचे से यहाँ पर क्लोथ डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी थ्रेड कैसे डालना है। तो ये जो है इसे हम इस तरीके से निकालेंगे, खींच के ही निकालना है, इजीली निकल जाता है। और ये जो स्प्रिंग दी गई है, ये पहले हमें स्प्रिंग यहाँ पे बिठानी है और बाद में हमें इस तरीके से इसे लगाना है और प्रेस करना है। सबसे पहले तो हम ये जो वायर का होल दिख रहा है उसमें पहले हमें थ्रेड डालना है। बाद में जिससे हम सिलाई एडजस्ट करते हैं वहाँ पे थ्रेड डालना है और उसी के बगल में ये जो वायर का होल है इसमें हमें इस तरीके से डालना है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट, इसे मैं ऊपर कर लेती हूँ और इसमें हम ये थ्रेड डालेंगे। बाद में वो नीचे दिख रहा है वो वायर का होल, उसमें हम ये थ्रेड डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वो नीडल के ऊपर,
और लास्ट है निडल में। तो ये टोटल 7 पॉइंट है, तो इस 7 पॉइंट में हमें ये थ्रेड डालना है। ये मैंने थ्रेड लगा लिया है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट और 7 पॉइंट, टोटल 7 पॉइंट है। अब हम देखेंगे बॉबिन को कैसे लगाना है। तो इसे हम इस तरीके से खींचेंगे तो वे ये ऊपर का जो कवर है वो निकल जाएगा और बॉबिन भी इजीली निकल जाती है इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि ये बॉबिन का जो थ्रेड है इसे हमें ऊपर कैसे लाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से बॉबिन रखनी है और ये जो थ्रेड है इसे हमें थोड़ा बाहर निकालना है। ये जो मार्क दिख रहा है इसके अंदर ये थ्रेड हमें डालना है और ये जो निडल का थ्रेड है इसी के साथ हमें ये जोड़ना है और ऊपर का जो कवर है इसे लगा लेना है। अब हम इसे रोटेट कर लेंगे तो यहाँ पे ये इसके ऊपर जो डायरेक्शन दिया है उसी डायरेक्शन में हमें इसे घुमाना है, इसी डायरेक्शन में हमें इसे घुमाना है अपने साइड में, या फिर जो डायरेक्शन दिया है ना उसी के साइड से हमें इसे घुमाना है कुछ इस तरीके से। और ये जो निडल का थ्रेड है इसे ऊपर खींचना है ताकि जो बॉबिन का थ्रेड है वो ऊपर आ जाए। और अभी दूसरा भी थ्रेड यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं दोनों थ्रेड ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब मैं आपको फुट पेडल और पावर अडेप्टर लगा के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे नीचे वाला पावर अडेप्टर का है और ऊपर का फुट पेडल का। ये ऊपर का लाइट का बटन है तो आप देख सकते हैं। नीचे का बटन दिया है, सिलाई हमें फास्ट करनी है या फिर स्लो करनी है तो उसके लिए ये बटन दिया है, और बीच का बटन जो है वो सिलाई ऑन ऑफ के लिए है। तो मैं पहले आपको फुट पेडल चला के दिखाऊंगी। अब मैं ये प्रेस करके आपको दिखाऊंगी। अब हम देखेंगे ये निडल थ्रेडर का यूज हम कैसे करते हैं। आप ये जो वायर देख रहे हैं ना ये बहुत ही ज्यादा पतली है, इसे हमें निडल के होल में डालना है। तो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, मैं आपको फिर से जूम करके बता देती हूँ कि किस तरीके से इसका यूज होता है। तो ये जो पतली वायर है इसे हमें निडल के होल में डालना है और वो इजिली जाती है, उसी में हमें थ्रेड डालना है। और ये जो निडल थ्रेडर है इसे हमें खींच लेना है। कितना आसान है निडल में थ्रेड डालना, और वो भी इस निडल थ्रेडर के सहायता से। अब मैं आपको बताऊंगी एम्प्टी बॉबिन को किस तरीके से फील किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं यही बॉबिन निकाल रही हूँ। उस बॉबिन को हम ऊपर की तरफ लगा लेंगे। आप चाहे तो रील भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको भी बॉबिन ही लगानी है, आप रील भी लगा सकते हैं वहां पे।
अब मैंने एम्प्टी बॉबिन ली है और उसे हम थोड़ा थ्रेड इस तरीके से लगा लेंगे और इस बॉबिन को हमें यहाँ पे अटैच करना है, थोड़ा सा प्रेस करना है। यहाँ पे मैंने पावर अडैप्टर लगा लिया है और यहाँ ये जो बीच का बटन है इसे हम प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये जो रील है वो फिल हो रही है। हाथ से करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप करिए, आपका काम भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और इसे आसानी से हम निकाल भी सकते हैं इस तरीके से। इससे सिलाई एडजस्ट हो जाती है। अगर आपको सिलाई बड़ी वाली चाहिए तो प्लस के साइड में इसे घुमाना है, अगर आपको सिलाई छोटी वाली चाहिए तो आपको इसे माइनस के साइड में घुमाना है। अब हम देखेंगे नीडल को चेंज कैसे करना है। तो ये आप स्क्रू देख सकते हैं, इस स्क्रू को हमें लूज करना है और नीडल को नीचे से खींच लेना है। जैसे ही स्क्रू लूज हो जाता है नीडल आसानी से नीचे आ जाती है और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल गई है। और ये नीडल जो है एक साइड से प्लेन है और दूसरे साइड से इस तरीके से राउंड है, तो जो प्लेन वाला पार्ट है उसे हमें जहाँ पे स्क्रू लगाया हुआ है ना उसी साइड में करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नीडल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। ये 14 नंबर की नीडल है। नीडल को ऊपर की तरफ लगा के स्क्रू को फिट कर देना है और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये नीडल चेंज हो गई है। इस तरीके से आपको नीडल को फिट करना है मशीन में। अब मैं आपको एक क्लोथ के ऊपर सिलाई दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डार्क क्लोथ लिया है और दोनों साइड में मैंने व्हाइट कलर का ही थ्रेड डाला है ताकि ये डार्क कपड़े के ऊपर अच्छे से दिख जाए। मैंने यहाँ पे क्लोथ लगाया है और इस रील को हमें एक बार घुमाना है और बाद में सिलाई का जो बटन है इसे प्रेस करना है। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये सिलाई हो रही है। सिलाई होने के बाद आपको इस तरीके से ये रील को घुमाना है, आप जैसे कि देख सकते हैं वीडियो में। और सिलाई करते टाइम आपको सीजर लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ब्लेड दिया है। इस तरीके से इसे कट करना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये सिलाई हो गई है आगे और पीछे से भी। जैसे कि हम नॉर्मल मशीन में करते हैं सेम वैसी ही सिलाई हो गई है। और यहाँ पे मैंने डार्क कपड़ा लिया है इसलिए ये व्हाइट इसके ऊपर दिख रहा है। मैं आपको फिर से बताती हूँ किस तरीके से हमें सिलाई करनी है। पहले क्लोथ लगाना है, बाद में ये जो रील है इसे घुमाना है एक बार और इस तरीके से आप इजीली सिलाई कर सकते हैं। और ये जो थ्रेड निकालते टाइम हमें रील को थोड़ा सा आगे पीछे करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा पीछे नहीं करना है। तो इस तरीके से आप इस थ्रेड को कट कर सकते हैं। इस मशीन से छोटे मोटे कपड़े सिला सकते हैं लेकिन ज्यादा थिकनेस के कपड़े जैसे कि जीन्स ये नहीं सिला सकते। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहे हैं इसे हम कट कर लेंगे। ये मशीन मैंने अमेजोन से परचेस की है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेकआउट करके लीजिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।